मैं आपको सुन पा रहा हूं, आज बड़ा ही दुख का विषय है। लता जी ने कहा था तुम मुझे यूं कभी भुला ना पाओगे। आज देश में जब सुबह हुई तो बड़ी ही मनहूस सुबह हुई। देखा गया कि आज लता जी हमारे साथ नहीं रही। गुना के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर हैं। यहाँ पर हमारे साथ में श्रुति सर हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, पीजी कॉलेज के। हम उनसे जानना चाहेंगे कैसे वो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे लता जी को। वाकई में आज भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़ा ही दुख भरा दिन है। और आप ये देखिए कि आज का दिन लता जी ने चुना इस दुनिया से कुछ करने के लिए। और आज कवि प्रदीप का जन्मदिन है जी। वे कवि प्रदीप जिनका की बहुत प्रसिद्ध गीत, जो कि लता जी का एक आइकॉनिक गीत था, ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत जिसे सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखें भी भर आई थी। आज कवि प्रदीप का जन्मदिन है और आज ही जो है उन्होंने ये संसार छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि जैसे सातों सुर बहुत समय के लिए खामोश आ गए। तो वाकई में क्या बताऊं, उन्होंने आज प्रियदर्शन ने फेसबुक पोस्ट बहुत अच्छा लिखा है कि उन्होंने हमारी भारतीय लड़कियों को अपनी आवाज दी थी, कैसे रूठना है, कैसे मनाना है, कैसे प्यार करना है, कैसे गुस्सा होना है, क्या ममता होती है, क्या लड़कपन होता है। डॉक्टर श्रोत्री भी हमारे साथ में, हम इनसे जानना चाहेंगे कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप। ये वाकई में अपूर्णीय क्षति है और जिनके गानों को सुन सुन के गुनगुनाते हुए हम लोग बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, और अभी भी सुबह 4:30-5 बजे ऐसा लगता है कि लता जी के गानों को सुना जाए और बहुत शांति में लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए इसको अपूर्णीय क्षति, हालांकि मैंने कहा है लेकिन अपूर्णीय नहीं है वो, उसको क्या कहा जाए उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वर्षा पुष्पराज जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुना के, समय समय पर लड़ाइयां लड़ते रहे हैं गुड़िया को लेके, गुना को लेके। इनसे हम जानना चाहेंगे कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे पुष्पराज जी। लता जी संगीत का पर्याय थी और जिस तरह से हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री, जिनके बारे में ये कहा जाता है नेहरू जी कि वे कभी रोए नहीं थे अपने जीवन काल में, जब उनके पिताजी खत्म हुए, जब उनकी पत्नी खत्म हुई, वे नहीं रोए। जब एक बार एक मात्र बार मेरे गुरु रोए तब वो क्षण था 1963 का 27 जनवरी का, जब लता जी का ये मेरे वतन के लोगों गाना उन्होंने सुना, उनकी आंखों से आंसू आ गए, जिंदगी में पहली बार अंतिम। बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बताऊं हमारे साथ मौसिकी के गायक गुना से शिवाजी हैं। हम शिवाजी से एक कोई प्रस्तुति लेना चाहेंगे लता जी को श्रद्धांजलि के रूप में। शिवाजी सर्वप्रथम तो आप थोड़ा बताइए लता जी को कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप। जैसा मेरा मानना है कि उन्होंने काफ़ी तरीके के गाने गाए और काफ़ी भाषाओं में गाने गाए, और जो भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे शोकाकुल होने वाली बात है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती इतना वो खुशी देके गई है हमें, तो हमें नहीं लगता कि हमें दुखी हमारे ख्यालों में उनके गानों में उनके उसमें उनका वजूद रहेगा। वो ये उत्सव वाली जिंदगी रही है और हमें उत्सव की तरह ही उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कलाकार जिसने हमको अपना एक जीवन दे दिया, जिसने ऐसे गाने गाए जो आज हमारे दुख में सुख में मनोरंजन में हर समय में हमारे साथ है, तो हमें नहीं लगना चाहिए कि कोई शोक की बात उन तक भी पहुंचे, वो भी नहीं चाहेंगे कि शोक हो। सभी हम चाहते हैं कि कोई प्रस्तुति आपके द्वारा हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को दी जाए लता जी को श्रद्धांजलि के रूप में, तो आप कृपया अपनी कोई प्रेजेंटेशन दें। वही मैं आप लोगों को कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। ये पेंटर हैं हमारे यहाँ राजू ओझा, ये लता जी का चित्र बनाएंगे इंडिया न्यूज पर लाइव उनके उनके श्रद्धांजलि के अवसर पर। आप देख सकते हैं अभी कैनवास बिल्कुल खाली है, अभी 5 मिनट के अंदर ये लता जी का स्केच तैयार करेंगे। राजू है ये स्केच तैयार करेंगे, तब तक मैं आपको शिवाजी की प्रस्तुति दिखाना चाहूंगा। शिवाजी मैं गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत है और विशाल भारद्वाज जी ने पहली बार जब कंपोज किया तो लता जी के लिए, तो ये गाना गाया था, इससे जुड़ी काफी घटनाएं भी है जो हमेशा वो स्टेज पे शेयर करते हैं, तो ये मैं प्रस्तुत करूंगा अपनी श्रद्धांजलि। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा नींद खाली कर जा, पानी पानी रे खारे पानी रे,
पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जाए नींद।